हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास गोयल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ कमेंटर्स। हमारा चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे अब तक हम चार लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बेसिक्स, एनालिटिक फंक्शन, उसके बाद कुछ फंक्शंस को एनालिटिक चेक करना, और लास्टली कुछ एनालिटिक फंक्शन में अननोन्स की वैल्यू निकाल ली थी। होपफुली अब तक कोई डाउट नहीं होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में। अब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगेन, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और साथ के साथ वीडियो लेक्चर्स को ऑनलाइन देखिए टिल द एंड, सो दैट इट विल सपोर्ट मी एंड आई विल कंटिन्यू टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियो लेक्चर्स इन फ्यूचर एज वेल। अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज मिलने थॉमसन मेथड। बट मिलने थॉमसन मेथड स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यूज होती हैं। ये एक निष्कर्ष है पूरे चैप्टर का, तो वो आपको पता होना चाहिए, सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज इन द कमिंग लेक्चर्स। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन दैट इज fz, उसके कितने नाम है पहले वो डिस्क्राइब करेंगे, फिर रियल पार्ट्स के कितने नाम है, और फिर इमेजिनरी पार्ट्स के कितने नाम है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को आप fz बोल सकते हैं। मैंने बताया था इसकी वैल्यू कितनी होती है, यू प्लस आयोटा वी। यू होता रियल पार्ट और वी होता इमेजिनरी पार्ट। आप इसको W से भी डिनोट कर सकते हैं, बताया था। आप इसको एनालिटिक फंक्शन बोल सकते हैं, आप इसको रेगुलर फंक्शन बोल सकते हैं, होलोमॉर्फिक फंक्शन बोल सकते हैं, मोनोजेनिक फंक्शन बोल सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फंक्शन भी बोल सकते हैं। ये सारे नाम मैं बता चुका था, एक नया नाम आया है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फंक्शन। तो कहीं भी अगर एग्जाम में या बुक में कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फंक्शन लिखाओ, इसका मतलब वो fz या W की बात कर रहा है। उसके बाद आपको पता है इसका रियल पार्ट होता है यू, और रियल पार्ट को किस किस नाम से जाना जाता है उसकी बात कर लेते हैं। तो आप यू बोल लीजिए, यू ऑफ एक्स वाई। आपको पता है यू हमेशा किसका फंक्शन होता है, एक्स वाई। आप रियल पार्ट बोल लीजिए, रियल पार्ट ऑफ fz बोल लीजिए, रियल पार्ट ऑफ w बोल लीजिए, सेम है। आप इसका नाम फाई भी बोल सकते हैं, मैं बता चुका हूं, फाई ऑफ एक्स वाई, वो भी ठीक है। अब कुछ अलग नाम है पोटेंशियल फंक्शन, कहीं भी जिक्र हो पोटेंशियल फंक्शन का, दैट इज यू अगेन। उसके बाद वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन बोल रहे हैं तब भी इसका मतलब यू है, दैट इज रियल पार्ट। और लास्ट ध्यान रखिएगा, किसी भी एनालिटिक फंक्शन में यू और वी एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं, यू और वी एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं। तो यू किसका कंजुगेट हुआ, वी का, तो इसलिए मैंने लिखा कंजुगेट ऑफ वी। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट को आप वी से, वी ऑफ एक्स वाई से, इमेजिनरी पार्ट से, या इमेजरी ऑफ fz से, या इमेजरी ऑफ w से, या साई से, या साई ऑफ xy से। अब उसके तीन थोड़े अलग नाम है, साई को स्ट्रीम फंक्शन, यानी इमेजरी पार्ट को स्ट्रीम फंक्शन, फ्लक्स फंक्शन, और कंजुगेट ऑफ u भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात, u और v एक दूसरे कंजुगेट होते हैं, तो u होगा कंजुगेट ऑफ v और v होगा कंजुगेट ऑफ u। तो ये वेरियस टर्मिनोलॉजीज हैं जो थ्रू आउट द चैप्टर यूज होंगी, या आपके न्यूमेरिकल में यूज होंगी, तो ध्यान रखिएगा किसका क्या नाम है। तो जो नया नाम अब तक दिया, fz का और w का नया नाम दिया कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फंक्शन, u का नया नाम दिया पोटेंशियल फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और कंजुगेट, और v के जो नए नाम पता लगे हैं वो है स्ट्रीम फंक्शन, फ्लक्स फंक्शन और कंजुगेट ऑफ u। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम मिलने थॉमसन में मेनली तीन तरह के केसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट केस है जब आपको रियल पार्ट u गिवन होगा। तो अगर आपको किसी भी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट गिवन होगा, तो वो आपसे पहले एनालिटिक फंक्शन fz निकलवाएगा और लास्टली इमेजिनरी पार्ट v निकलवाएगा। केस टू में हमें इमेजिनरी पार्ट गिवन होगा v, हम उससे एनालिटिक फंक्शन निकालेंगे और लास्टली रियल पार्ट निकालेंगे। और केस थ्री में हमें u और v इंडिविजुअल गिवन नहीं होंगे, बट उसमें रिलेशन गिवन होगा u और v में, जैसे u प्लस v दे दिया, u माइनस v दे दिया, कुछ भी, और उससे आपको एनालिटिक फंक्शन निकलवाएगा और लास्टली उससे आप u और v अलग अलग निकालेंगे। तो क्लियर हो गया। तो आपको केस वन क्या है, रियल पार्ट देके एनालिटिक फंक्शन इमेजिनरी पार्ट, केस टू क्या है, इमेजिनरी पार्ट देके एनालिटिक फंक्शन और रियल पार्ट, और तीसरा केस है u और v में कुछ रिलेशन देके एनालिटिक फंक्शन और रियल और इमेजिनरी बोथ पार्ट्स। क्लियर हो गया, होपफुली इस पेज में कोई डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज मिलने थॉमसन मेथड। तो ये मेथड किस काम आता है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। तो कभी भी एनालिटिक फंक्शन बनाना हो, फॉर द गिवन रियल पार्ट, फॉर द गिवन इमेजिनरी पार्ट, और फॉर द गिवन रिलेशन बिटवीन यू एंड वी, तो आप मिलने थॉमसन मेथड का यूज कर सकते हैं। और मेथड भी हैं, बट वो कंपैरेटिवली मुश्किल पड़ते हैं, इसलिए आई एम बाउंड टू मिलने थॉमसन मेथड ओनली। उसके बाद केस वन स्टार्ट कर रहे हैं आज, दैट इज इफ रियल पार्ट यू इज गिवन। तो अगर सिर्फ आपको रियल पार्ट गिवन है
तो उससे एनालिटिक फंक्शन और उससे इमेजरी पार्ट कैसे निकालेंगे, तो आज का टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, तो सब स्टेप वन, स्टेप वन में सबसे पहले जो भी आपका रियल पार्ट गिवन होगा दैट इज यू, उसको आप एक नया नाम देंगे फाई। क्लियर हो गया? तो यू का एक नया नाम देंगे फाई ऑफ एक्स वाई। स्टेप टू, पार्शियली डिफरेंशिएट फाई, जो भी आपने नया फंक्शन माना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई वी गेट। आपको पता है फाई एक एक्स वाई का फंक्शन है, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो आपको पता है पैरों में एक्स और वाई का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। होपफुली कोई डाउट नहीं होगा, तो ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट है स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में आपने कुछ नहीं करना, जो दो ये पार्शियल डेरिवेटिव निकल गए, इसमें एक्स की जगह जेड पुट करना और वाई की जगह जीरो पुट करना है। एक्स की जगह जेड एंड वाई की जगह जीरो इन अबव डेरिवेटिव्स वी गेट। तो ये आ गया फाई एक्स, एक्स की जगह जेड, वाई की जगह जीरो, जेड जीरो और फाई वाई जेड जीरो। क्लियर हो गया? तो मेरे पास दो नए फंक्शन निकल जाएंगे जिसमें एक्स की जगह जेड होगा और वाई की जगह जीरो होगा। ठीक है, लास्टली स्टेप फोर। सो नाउ बाय मिलने थॉमसन मेथड। अब मिलने थॉमसन मेथड क्या कहता है कि आप एफ जेड एनालिटिक फंक्शन कैसे निकालोगे, जो आपके पास फाइव एक्स जेड जीरो और फाइव वाई जेड जीरो निकला उसको इस रिलेशन में पुट करो और इंटीग्रेट कर दो। तो फाइव एक्स जेड जीरो माइनस आयोटा फाइव वाई जेड जीरो का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड प्लस सी। ठीक है, और जब ये एनालिटिक फंक्शन निकल जाएगा तब स्टेप फाइव दैट फाइंड द इमेजरी पार्ट वी, तो जो बचा हुआ इमेजरी पार्ट है वो आप निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले रियल पार्ट को फाइव मानना है, फिर दो पार्शियल डेरिवेटिव करना है उसके विसेक्ट टू एक्स विसेक्ट टू वाई, फिर एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो पुट करना है, दो नए फंक्शन आ गए, फिर उन दोनों नए फंक्शंस को इस फॉर्मूला में पुट करके इंटीग्रेट करना है। तो अगर आप ये सिर्फ ये फॉर्मूला भी याद करके रखें तो आपको सारी रिक्वायरमेंट अल्टीमेटली पता लग जाएगी। आपका फॉर्मूला है एफ जेड इज इक्वल टू फाइव एक्स जेड जीरो माइनस आयोटा फाइव वाई जेड जीरो का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड प्लस सी। तो साफ दिख रहा है फाइव चाहिए, तो ठीक है फाइव चाहिए। सेकंड क्या चाहिए? फाइव का विसेक्ट टू एक्स और फाइव का विसेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करना है, फिर एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो पुट करना है। तो अगर आप सिर्फ ये भी याद रखोगे तो आपको बाकी सारे स्टेप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो क्लियर हो गया केस वन ऑफ मिलने थॉमसन मेथड, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन फॉर द गिवन रियल पार्ट यू। ओके, अब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन द एनालिटिक फंक्शन एंड इमेजरी पार्ट हूज रियल पार्ट इज एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री वाई स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आ चुका है एनआईटी सिलिचर में ईयर 2019 में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ईयर 2017 में और आरजीपी भोपाल में ईयर 2009 में। मैं पहले बता चुका हूं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो लेक्चर्स में इंक्लूड हो तो आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरी ईमेल आईडी दैट इज mathcommentors@gmail.com पे ईमेल कर दीजिए, सो दैट मैं उनको इंक्लूड कर सकूं अपने वीडियो लेक्चर्स में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पार्ट। एज पर द गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या गिवन है? यू इज इक्वल टू, आपको रियल पार्ट गिवन है तो इसका मतलब यू गिवन है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। तो आपको मैंने रियल पार्ट के डिफरेंट नेम्स बताए थे, आपको उनमें से कुछ भी दिया जा सकता है, तो आपने सबसे पहले उसको यू माना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, जो भी आपका यू है उसको आप फाइ मानेंगे, तो वही करेंगे। लेट फाइ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। तो ये आ गया आपका फाइ। तो सबसे पहला स्टेप यही था कि जो भी रियल पार्ट होगा उसको आप फाइव एक्स वाई मान लेंगे। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है? पार्शियली डिफरेंशिएट फाइव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई करें। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई वी गेट करें। तो ये आ गया फाइव एक्स एक्स वाई, फाइव का डेरिवेटिव विसेक टू एक्स। आपको पता है पार्शियल डेरिवेटिव को पैरों में भी लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव विसेक टू एक्स कीजिए फटाफट। तो विसेक टू एक्स करेंगे तो एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वेयर, इसका एक विसेक टू एक्स करेंगे तो माइनस थ्री वाई स्क्वेयर क्योंकि एक्स का वन आएगा, इसका विसेक टू एक्स करेंगे तो सिक्स एक्स आएगा आपको पता है, इसका विसेक टू एक्स करेंगे तो जीरो आएगा आपको पता है क्योंकि ये वाई का फंक्शन है, इसका विसेक टू एक्स करेंगे टू एक्स का तो टू आएगा और वन का जीरो आएगा। ओके, तो ये बना थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री वाई स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू, ये बना आपका फाइव एक्स एक्स वाई। पार्शियल डेरिवेटिव विसेक टू एक्स हो गया। अब दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव विसेक टू वाई करना है
फाइव वाई एक्स वाई करिए, विसेक टू वाई कीजिए तो एक्स क्यूब का डायरेटिव जीरो आएगा, आप यहां विसेक टू वाई कीजिए तो वाई स्केयर का टू वाई आएगा तो माइनस सिक्स एक्स वाई, इसका डायरेटिव विसेक टू वाई कीजिए तो जीरो आएगा, थ्री वाई स्केयर का डायरेटिव आएगा माइनस सिक्स वाई, टू एक्स का डायरेटिव आएगा जीरो और वन का भी जीरो, तो यह आया तो फाइव वाई एक्स वाई आया माइनस सिक्स एक्स वाई माइनस सिक्स वाई, तो ये आ गया आपका सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव। तो दो पार्शियल डेरिवेटिव निकालने थे वो निकल चुके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप थ्री, आपने एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो पुट करना है। अब मैं इसको इक्वेशन टू और थ्री मान लेता हूं, पुट एक्स इजक्वल टू जेड एंड वाई इजक्वल टू जीरो इन इक्वेशन टू एंड थ्री, वी गेट, तो मेरे पास आया फाइव एक्स जेड जीरो। अब कई बच्चे सोच सकते हैं सर यहां तो पुट नहीं किया, बच्चे ये एक्स डेरिवेटिव के नाम का, तो डेरिवेटिव नहीं चेंज हो सकता, डेरिवेटिव निकल चुका है, ठीक है, ये वेरिएबल है आपके, ये वेरिएबल नहीं है, ये डेरिवेटिव के नाम का, पार्शियल डेरिवेटिव के नाम का। तो पुट कीजिए थ्री जेड स्क्वेयर माइनस थ्री, एक्स की जगह जेड पुट कर दिया, माइनस थ्री वाई स्क्वेयर की, वाई की जगह जीरो पुट कर दिया, सिक्स इंटू जेड प्लस टू, तो यह आया थ्री जेड स्क्वेयर प्लस सिक्स जेड प्लस टू, यह आया आपका फाइव एक्स जेड जीरो। होपफुली को डाउट नहीं होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल सिमिलर टाइप का होगा उसमें मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा आपका। सिमिलरली इक्वेशन थ्री में पुट करेंगे फाइव वाई जेड जीरो माइनस सिक्स एक्स इंटू जीरो माइनस जीरो, सिक्स इंटू जीरो, ठीक है, क्योंकि दोनों टर्म्स में वाई पड़ा है तो ये हो गया जीरो फाइव वाई जेड जीरो। लो जी आपके आ चुके हैं, तो आपके डेरिवेटिव भी तो आपने फाइव मान लिया, आपने डेरिवेटिव्स भी निकाल दिए और बाद में एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो पुट कर दिया, क्लियर हो गए। तो फाइव एक्स जेड जीरो आ चुका है, फाइव वाई जेड जीरो आ चुका है। अब आपको पता है इसके बाद क्या करते हैं, जब दोनों आ जाते हैं तो मिलने थॉमसन मेथड में पुट करते हैं और वहां से क्या क्या निकलता है एफ जेड, ठीक है, करें। नाउ बाय मिलने थॉमसन मेथड, तो मिलने थॉमसन मेथड क्या कहता है, एफ जेड इजक्वल टू फाइव एक्स जेड जीरो माइनस आयोटा फाइव वाई जेड जीरो का होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपका, वो आपको ध्यान रखना है। तो फाइव एक्स जेड जीरो पुट कीजिए, वो है थ्री जेड स्क्वेयर प्लस सिक्स जेड प्लस टू माइनस आयोटा फाइव वाई जेड जीरो पुट कीजिए, दैट इज जीरो, और फिर इसका पूरे का इंटीग्रेशन विसेक टू जेड प्लस सी, ए प्लस सी भी था सॉरी, ठीक है। तो ये आ गया थ्री जेड स्क्वेयर प्लस सिक्स जेड प्लस टू का विसेक टू जेड इंटीग्रेशन करना, करो इंटीग्रेशन आप, तो एफ जेड इजक्वल टू, आपको पता है जेड स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होगा, विसेक टू जेड ही कर रहे हो तो जेड क्यूब बाय थ्री प्लस सिक्स, जेड का कितना होगा जेड स्क्वेयर बाय टू, और टू का कितना होगा टू जेड, विसेक टू जेड कर रहे हो तो इसलिए टू का टू जेड आया, विसेक टू एक्स करते हैं तो टू का टू एक्स आता, तो कैंसिल करें इसको, थ्री से थ्री कटा टू थ्री से, तो एफ जेड आया मेरा जेड क्यूब प्लस थ्री जेड स्क्वेयर प्लस टू जेड प्लस सी, ठीक है, ओके। तो अब आपका एफ जेड आ चुका है विच इज द रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, तो जो एनालिटिक फंक्शन चाहिए था वो आ चुका है, मेरे को इसके बाद क्या करना है इमेजिनरी पार्ट भी निकालना है, तो इमेजिनरी पार्ट के लिए देख लेते हैं, वही करेंगे अब। अब क्वेश्चन में एनालिटिक फंक्शन एफ जेड निकल चुका है, अब इसका हमें इमेजिनरी पार्ट भी निकालना है। इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए क्या करोगे आप, जो भी आपका एफ जेड है उसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है कर दो। तो यहां जेड की वैल्यू मैं पुट करूंगा, आपको पता है जेड की वैल्यू होती है एक्स प्लस आयटा वाई प्लस थ्री एक्स प्लस आयटा वाई का स्केयर प्लस टू एक्स प्लस आयटा वाई प्लस सी, और आपको पता है एफ जेड की वैल्यू कितनी होती है यू प्लस आयोटा वी। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो जितना कर सकते हो, तो आपको पता है
यू आपको गिवन था ही क्वेश्चन में, वी निकालने के लिए आप जो भी इसका इमेजिनरी पार्ट बचेगा वो उठा लेंगे। तो ए प्लस बी का क्यूब आपको पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। तो ये तो ए प्लस बी का क्यूब खुला है, प्लस थ्री स्क्वेयर खोलना है, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस टू इंटू एक्स प्लस आयटा वाई प्लस सी। अब सिंपलीफाई करो, मैं डायरेक्ट लिखूंगा सिंपलीफाई करके, तो ये आएगा एक्स क्यूब, ये आएगा आयटा क्यूब, आयटा क्यूब होता है माइनस आयटा वाई क्यूब, और इसको मल्टीप्लाई करो एक्स के साथ, तो ये आएगा बच्चों थ्री एक्स स्क्वेयर वाई आयोटा। तो जब थ्री एक्स आयोटा वाई को आयोटा वाई से करोगे तो ये आएगा थ्री एक्स वाई स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर माइनस वन होता है, तो थ्री एक्स वाई स्क्वेयर बचेगा। सिमिलरली प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वेयर, अब यहां से आयटा स्क्वेयर आएगा, आयटा स्क्वेयर माइनस वन होता है, तो माइनस वाई स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई आयोटा प्लस टू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस सी। अब सिंप्लीफाई करो और जितना हो सकता है, आयोटा वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई वाई आयोटा माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री वाई स्क्वेयर प्लस सॉरी प्लस सिक्स एक्स वाई आयोटा प्लस टू एक्स प्लस टू आयोटा वाई प्लस सी। तो ये आया सिंप्लीफाई करके, और आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, यू प्लस आयोटा वी। अब आपको पता है बाय कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड्स, क्योंकि मुझे सिर्फ वी चाहिए, लेफ्ट में इमेजिनरी पार्ट क्या है वी, राइट में जितनी भी आयटा की टर्म है वो उठा लो, तो माइनस वाई क्यूब ये भी आयटा की है प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर वाई, ये विदाउट आयटा है, ये भी विदाउट आयटा है, ये भी विदाउट आयटा, ये प्लस सिक्स एक्स वाई ये विदाउट आयटा है, ये आयटा की टर्म है प्लस टू वाई, आप चाहें तो सी लिख सकते हैं साथ में। तो ये है आपका इमेजिनरी पार्ट विच इज द रिक्वायर्ड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन में लंबा चौड़ा कुछ नहीं किया, रियल पार्ट गिवन था आपको, उसको फाइव माना, उसके दो पार्शियल डेरिवेटिव किए फाइव एक्स फाइव वाई, एक्स की जगह जेड पुट किया, वाई की जगह जीरो पुट किया, तो फाइव एक्स जेड जीरो आ गया, फाइव वाई जेड जीरो आ गया। उसके बाद मिलने थॉमसन मेथड के फॉर्मूले में उसको पुट किया और सिंप्लीफाई किया, तो ये जितना मुश्किल काम नहीं है, तो ये आ गया एफ जेड। अब एफ जेड का रियल पार्ट आपको गिवन था, एफ जेड में आपका रियल भी होता है इमेजिनरी भी होता है, तो इसको सिंप्लीफाई करके आप जो दूसरा पार्ट बचा वो निकाल सकते हो, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्लियर हो गया, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, स्टिल कोई पॉइंट ऑफ डाउट होगा तो नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल और कर रहे हैं सेम टाइप का, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल और सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, डिटरमाइन द एनालिटिक फंक्शन एंड इमेजिनरी पार्ट हूज रियल पार्ट इज, u की वैल्यू दे रखी है e रेस्ट पावर 2x, लेट्स स्टार्ट x cos 2y माइनस y sin 2y, ब्रैकेट क्लोज। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है NIT पटना में ईयर 2015 में आ चुका है, HPTU हिमाचल में 2018 में, सिंबोसिस पुणे में 2018 में, MDU रोहतक में 2017 2016 में, PTU जालंधर में दिसंबर 2014 में, मुंबई यूनिवर्सिटी में ईयर 2012 और 2007 में, और कोट्टायम यूनिवर्सिटी केरला में ईयर 2005 में। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता है नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू की वैल्यू आपको दे रखी है, वो आपने एस एच पिक की। उसके बाद वेरी फर्स्ट स्टेप आपको पता है, अब आपको पता है सबसे पहले जो भी आपको रियल पार्ट दे रखा है उसको क्या नाम देते हैं आप, फाई फाई एक्स वाई, तो जो भी वैल्यू है वो पुट हो जाएगी तो ये आ गई आपकी फाई की वैल्यू। नाउ अब उसके बाद आपको पता है पार्शली डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई वी गेट, तो रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई करेंगे तो करते हैं डेरिवेटिव, थोड़ा मुश्किल जरूर होगा इसमें, फाइव एक्स एक्स वाई करें रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब आपको पता है एक्स के फंक्शन दो जगह पड़े हैं, एक बाहर और एक अंदर प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में जब भी दो फंक्शन पड़े हों तो आपको पता है प्रोडक्ट रूल लगता है, तो एक बार टू एक्स एज इट इज
हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट, तो एक्स का आएगा 1, तो ये बचा कोस टू वाई, और वाई साइन टू वाई, ये दोनों जीरो है उसके लिए, तो प्लस, उसके बाद प्लस एक्स कोस टू वाई माइनस वाई साइन टू वाई, उसके बाद प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, तो ई की पावर टू एक्स का आपको पता है टू ई रेस्ट पावर टू एक्स आएगा। तो अब इसको मैं ई की पावर टू एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचा, ये बचा टू एक्स कोस टू वाई माइनस टू वाई साइन टू वाई और प्लस कोस टू वाई, लो जी। ठीक है, तो ई की पावर टू एक्स कॉमन ले लिया, तो यहां टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू एक्स कोस टू वाई माइनस टू वाई साइन टू वाई, और साथ में ये कोस टू वाई पड़ा था, तो ये आ गया आपका फाइव एक्स। नेक्स्ट है पार्शियल डेरिवेटिव सेक टू वाई, तो फाइव का भी सेक टू वाई करो, तो अगर आप ध्यान से देखें तो वाई सिर्फ अंदर पड़ा है, बाहर वाई नहीं है, तो ई रेस पर टू एक्स एज इट इज पड़ा रहेगा, प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। एक्स कोस टू वाई, एक्स एज इट इज कोस टू वाई का डेरेटिव विद सेक टू वाई, तो कोस का होता है माइनस साइन टू वाई और फिर टू वाई का टू, ठीक है, माइनस वाई साइन टू वाई, वाई साइन टू वाई अगेन दो जगह वाई है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, वाई एज इट इज साइन टू वाई का टू कोस टू वाई प्लस, और साइन टू वाई एज इट इज वाई का वन। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, ई की पावर टू एक्स बाहर, यह आया माइनस टू एक्स साइन टू वाई माइनस या आया टू वाई कोस टू वाई प्लस साइन टू वाई। नेक्स्ट स्टेप पे खोल लेंगे, तो यह आएगी पार टू एक्स माइनस टू एक्स साइन टू वाई माइनस इंटू प्लस माइनस टू वाई कोस टू वाई और माइनस साइन टू वाई, तो इसमें सारे माइनस के आगे आप चाहें तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं कि सो दैट यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, चलो कोई बात नहीं। तो थोड़ा डायरेटिव थोड़ा हाँ लेंथी है, बट ऐसा कुछ नहीं कि भी आप बिल्कुल कर नहीं सकते इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पुट एक्स इज इक्वल टू जेड एंड वाई इज इक्वल टू जीरो इन पार्शल डेरिवेटिव्स, वी गेट, तो एक्स की जगह जेड पुट करेंगे और वाई की जगह जीरो पुट करेंगे, फाइव एक्स जेड जीरो यहां पुट करो, एक्स की जगह जेड, तो ये आ गया ई की पावर टू जेड कोस जीरो, ठीक है, एक्स की जगह जेड टू जेड और वाई की जगह जीरो कोस जीरो माइनस वाई इंटू वाई की वैल्यू जीरो है, तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगी प्लस फिर कोस जीरो अगेन, और आपको पता होना चाहिए कोस जीरो वन होता है, तो टू जेड एज इट इज, तो ये बचा टू जेड, कोस जीरो होता है वन, तो टू जेड प्लस वन, तो ये आ गया आपका फाइव एक्स जेड जीरो। ठीक है, तो ठीक है, कुछ अलग नहीं कर रहे, आपको स्टेप्स याद होंगे तो उसके बाद कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। ठीक है, सिमिलरली फाइव वाई में एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो पुट करेंगे, तो ई की पावर टू जेड वो तो सेम रहेगा बाहर, माइनस टू जेड साइन जीरो माइनस वाई, वाई प्रोडक्ट में आया तो जीरो ही बन जाएगा पूरा, और साइन टू वाई ये आएगा साइन जीरो, आपको पता है साइन जीरो जीरो होता है, साइन जीरो जीरो, तो ये सारे टर्म जीरो हो गई, तो फाइव वाई जेड जीरो कितना हो गया जीरो। तो ठीक है, मैं लिख देता हूं, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है जीरो, और यहां कोस जीरो की वैल्यू होती है वन, याद रखिएगा बात। ठीक है, तो फाइव एक्स जेड जीरो निकल गया, फाइव वाई जेड जीरो निकल गया, नाउ बाय मिलने थॉमसन मेथड, करें मिलने थॉमसन मेथड, वो क्या कहता है, एफ जेड की वैल्यू कितनी आती है, फाइव एक्स जेड जीरो माइनस आयटा फाइव वाई जेड जीरो का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड प्लस सी। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व इसको, करो पुट, फाइव एक्स जेड जीरो की वैल्यू कितनी आई, ई रेस्ट पर टू जेड इंटू टू जेड प्लस वन
माइनस आयोटा, 5yz0 की वैल्यू कितनी आई, 0 dz प्लस सी। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है अगेन दो फंक्शन, तो अब हम इसको प्रोडक्ट खोल लेते हैं, तो ई रेस पर 2z इंटू 2z, तो 2 बाहर आ गया, जेड ई रेस पर 2z प्लस ये dz, अलग में इंटीग्रेशन भी अलग कर रहा हूं, प्लस ई रेस पर 2z को 1 से करोगे तो ई की पर 2z dz प्लस सी, तो ये आ गया आपका fz। अब आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब आपको पता है यहाँ पे दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, तो जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो आपको पता है आप इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाते हैं। इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाने से पहले आपको आईलेट लगाना पड़ता है, आईलेट बताता है किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड। तो आई का मतलब आपको पता है इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ जेड जेड जो है अलजेब्रिक है और ई जो है वो एक्सपोनेंशियल है, तो फर्स्ट मानेंगे अलजेब्रिक को और सेकंड मानेंगे एक्सपोनेंशियल को, तो ये मान लिया। उसके बाद आपको पता है इंटीग्रेशन में पार्ट्स करना है, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ई रेस्ट पर 2z का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस्ट पर 2z अपॉन 2, ठीक है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव जेड का डेरिवेटिव आगा 1, सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेस्ट पर 2z अपॉन 2, और जो बचा उसका दोबारा इंटीग्रेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन में पार्ट्स। किसी को याद हो फूरियर सीरीज में मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का थोड़ा एडवांस वर्जन कराया था, वो भी आप यहां यूज कर सकते हो। और एक बार 2z का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक बार 2z बाय 2 प्लस सी, तो बाय इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ठीक है, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या बचाइए, 2 जेड बाय टू ई रेस्ट पर 2z माइनस 1/2, 1/2 बाहर आया, ई की पावर 2z का दोबारा इंटीग्रेशन करोगे, ई की पावर 2z अपॉन 2 आएगा, प्लस ई रेस्ट पर 2z बाय 2 प्लस सी। तो ये इसको सिंप्लीफाई करें, तो मल्टीप्लाई करें 2 से, जेड ई रेस्ट पर 2z, इससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ई की पावर 2z बाय 2 प्लस ई रेस्ट पर 2z बाय 2, वो पढ़ा ही था पीछे, प्लस सी। तो लकीली ये दोनों टर्म्स कट गई, तो ठीक है, तो दैट्स ग्रेट कि ये दोनों टर्म्स कट गई, ठीक है। तो आपका बचा जेड ई रेस्ट पर 2z प्लस सी, और आपको पता लेफ्ट हैंड साइड क्या थी आपकी, एफ जेड। तो ये हो गया आपका एनालिटिक फंक्शन, तो एनालिटिक फंक्शन निकल गया विच इज द रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। अब मेरा एनालिटिक फंक्शन निकल चुका है, अब मेरे को इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह है, हम इस पार्ट को जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना करेंगे और लास्टली हम इसका इमेजिनरी पार्ट पिक कर लेंगे, तो वही करने वाले हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे, एफ जेड की वैल्यू कितनी है, जेड ई रेस्ट पार 2z प्लस सी, तो जेड की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, एक्स प्लस आइटा वाई इंटू ई की पावर 2 इंटू एक्स प्लस आइटा वाई प्लस सी। तो जहां जहां जेड था मैंने वहां एक्स प्लस आइटा वाई पुट कर दिया, तो यहाँ एक्स प्लस आइटा वाई और ई की पावर में आया 2x प्लस 2i वाई। अब अगेन ये इसमें भी रियल इमेजिनरी साफ पता लग रहा है, बट ई की पावर में रियल भी है इमेजिनरी भी है, तो आप इनको अलग अलग करेंगे, आपको पता है बेस सेम हो प्रोडक्ट में हो तो पावर ऐड हो जाती है, हमने इसका उल्टा यूज किया है, अगर पावर ऐड है तो आप उनको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अब आपको पता है इसमें ई पावर 2x जो है वो प्योरली रियल है, तो उसको कोई जरूरत नहीं है कुछ बाइफरकेट करने की, बट ई पावर 2i वाई या 2y i, आपको पता है इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो इसका फॉर्मूला आपको शायद पता हो, तो ई पावर आइटा थीटा कितना होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, एक बार आयोटा थीटा का बता चुका हूं मैं पहले, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो जो मेन बात समझने की है, ई की पावर में आयोटा के साथ जो भी है वो कोस साइन के एंगल में आ जाएगा, तो ई की पावर में आयोटा के साथ जो भी है दैट इज 2y है, तो वो कोस साइन के एंगल में आ जाएगा, तो ई कोस 2y प्लस आयोटा साइन 2y, तो ये आ गया। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो ई की पावर 2x, तो मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू कोस 2y, x कोस 2y,
x into iota sine 2y, that is iota x sine 2y plus iota y into cos 2y, that is iota y cos 2y, ठीक है, और प्लस आयोटा इंटू आयोटा, दैट इज आयोटा स्केयर आप चलो प्लस आयोटा वाई इंटू आयोटा साइन टू वाई, दैट इज आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्केयर और वाई साइन टू वाई प्लस सी, तो यह है ई की पावर टू एक्स इंटू एक्स कोस टू वाई प्लस आयोटा एक्स साइन टू वाई प्लस आयोटा वाई कोस टू वाई, और आयोटा स्केयर आपको पता है माइनस वन होता है, तो y साइन टू वाई प्लस सी, वो आपको पता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है u प्लस आयोटा v, ठीक है। अब आपको कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कीजिए, लेफ्ट में इमेजिनरी पार्ट है v और राइट में ये मल्टीप्लाई में है सबके, तो e की पावर टू एक्स तो पढ़ाई है, मल्टीप्लाई खोल सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन है, तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो उठाना है, तो ये तो रियल है, ये इमेजिनरी है, तो x साइन टू वाई ये इमेजिनरी है प्लस y cos टू वाई ये रियल है, और लास्टली प्लस c, तो ये आपका आ गया आंसर विच इज द रिक्वायर्ड इमेजिनरी पार्ट। तो कुछ अलग नहीं किया इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही रिपीट किया, सबसे पहले फाइल एड किया, उसके बाद दो पार्शियल डेरिवेटिव किए विसेक टू एक्स और विसेक टू वाई, उसके बाद एक्स की जगह जेड पुट किया, वाई की जगह जीरो पुट किया, और जो आया फाइव एक्स जेड जीरो फाइव वाई जेड जीरो, उसको आपने मिलने थॉमसन मेथड में पुट कर दिया। मिलने थॉमसन मेथड में पुट होने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद आपका आया एफ जेड, ये आपका एनालिटिक फंक्शन है, बट मुझे तो इमेजिनरी पार्ट भी निकालना है, तो इमेजिनरी पार्ट के लिए मैंने जेड की जगह जेड की वैल्यू रिप्लेस कर दी, और जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना किया, और लास्टली आपको पता है एफ जेड की वैल्यू होती है यू प्लस आयोटा वी, तो यू होता है रियल पार्ट और वी होता है इमेजिनरी पार्ट, तो दोनों तरफ का इमेजिनरी पार्ट उठा लिया, तो दैट्स योर फाइनल आंसर। तो दैट्स हाउ यू आर सपोज टू सोल्व द केस वन ऑफ मिलने थॉमसन मेथड, दैट इज जब रियल पार्ट आपको गिवन हो तो आप एनालिटिक फंक्शन और इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इमेजिनरी पार्ट से एनालिटिक फंक्शन और रियल पार्ट निकालेंगे, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा, स्टिल कोई पॉइंट ऑफ डाउट हो तो जस्ट फील फ्री टू आस्क, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है।